हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पर। और मैं हूँ रेखा। काफ़ी दिनों से आप लोगों से इस तरीके से बात नहीं की थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी दिनों से बात हो नहीं पा रही थी। और आज फाइनली टाइम मिला है, अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। आप लोगों के कमेंट भी नहीं चेक कर पा रही थी कि क्या आप लोगों की डिमांड है, आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं। बस ऐसे ही जो भी वीडियो होती थी वो डालते चले जाते थे। पर आज आप लोगों की जो डिमांड है उसको हम पूरे करने वाले हैं, और बहुत अच्छी तरीके से पूरा करने वाले हैं। पूरा डिटेल में बताने वाले हैं क्रॉलैन के प्रोडक्ट के ऊपर, सुप्रा और डर्मा के ऊपर, उसकी पैलेट की फुल नॉलेज देने वाले हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी दिनों से आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आप लोगों की कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी, और उसका जो है रिप्लाई भी कर रही थी, हार्ट भी नहीं दे रही थी। तो इसलिए आप लोग परेशान थे, आप लोगों को बुरा लग रहा था, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और आप लोग मेरी आंखों को देख सकते हैं कि वही बता देती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस समय, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन फाइनली अभी खाली हो चुके हैं, और इसीलिए मैं आती भी नहीं थी आप लोगों से, ऐसे कैमरे में बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मेरी आंखें मेरा साथ नहीं देती थी। तो चलिए आज जो है हम बात करते हैं सुप्रा और डर्मा के ऊपर, उसकी फुल नॉलेज देने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि उसमें जो नंबर हैं वो कौन से स्किन टोन के लिए जाएंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा से करके आता है, किसी में दिल्ली 1 लिखा होता है, किसी में ब्राइडल लिखा होता है, इस तरीके से करके लिखा होता है, तो उसको वो क्या है, तो वही आज वो डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरा जो सेकेंड चैनल है और मेरा जो ब्लॉग चैनल है, उन सबको देखने के लिए मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी चेक कर लीजिएगा। जो लोग मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग को पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं आप लोगों को एक चैनल पर और सिखाती हूँ, जिसपे प्रॉपर मेकअप की फुल नॉलेज देती हूँ। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम आपको कुछ कलर पैलेट दिखा रहे हैं। ये क्रॉयलन की सुप्रा पैलेट है, ये क्रॉयलन की सुप्रा पैलेट है, और ये क्रॉयलन की डर्मा कलर कैमोफ्लॉज क्रीम। ठीक है, अभी ये बात करें कि कौन सी स्किन टाइप। अगर हम सुप्रा की बात करें तो सुप्रा जो है वो हमेशा ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए जाता है। सुप्रा हमेशा ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए जाता है, आप लोग चाहें तो लिख सकती हैं। डर्मा हमेशा ऑयली स्किन और ज़्यादातर नॉर्मल स्किन पर जाता है, ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल नहीं होता है। और इसकी कवरेज की बात करें तो इसकी कवरेज फुल होती है, पर इसकी कवरेज ज़्यादा नहीं होती है। जैसे जिनकी स्किन पर स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तब हम सुप्रा से नहीं बल्कि डर्मा से करते हैं, और जब हमारी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब हम सुप्रा से करते हैं। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी कवरेज कम है, यानी कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स को नहीं हाइड कर पाता, जबकि ये सभी प्रॉब्लम को हाइड कर देता है। यहाँ तक कि टैटू वगैरह भी आपके फेस पर है तो उसको भी हाइड करता है, पिम्पल्स के मार्क्स हैं वो सब कुछ ये डर्मा जो है हाइड कर देता है, जबकि ये नहीं कर पाता। ये आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर पिगमेंट कलर की प्रॉब्लम नहीं है, अनइवन स्किन टोन नहीं है, पिगमेंट्स डार्क स्किन टोन की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो सब चीज़ का लिए जो है, अगर वो सारी प्रॉब्लम नहीं है तब आप सुप्रा पे कर सकती हैं। प्लस उसके साथ आपको स्किन टेक्सचर के बारे में भी पता होना चाहिए कि स्किन टाइप कैसी है, उसके साथ ही आपको करना है। और डर्मा जो है वो स्किन प्रॉब्लम जिनकी स्किन पर रहती है उनके लिए बहुत ही वेस्ट होता है, पर यहाँ पे भी आपको स्किन टाइप कौन सी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इस पैलेट के साथ या किसी भी पैलेट के साथ, किसी भी मेकअप, चाहे वो कंसीलर हो, कलर करेक्शन हो, या जो है कोई भी चीज़ें हो, पाउडर हो या फाउंडेशन हो, कोई भी चीज़ हो, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्किन टाइप कैसी है और कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। लिक्विड जो प्रोडक्ट होता है वो ऑयली स्किन टाइप के लिए होता है, ऑयली स्किन के लिए भी होता है, ड्राई स्किन के लिए भी होता है, पर कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ऑयली के लिए नहीं होता, पर लिक्विड जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए भी होते हैं। ओके, तो और क्या चीज़ें हैं वो, इसके पूरी डिटेल जो है वो हम कितने प्रकार के फाउंडेशन होते हैं वो सब अपने प्रोफेशनल मेकअप कोर्स वाले चैनल पर आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको एक चीज़, बहुत आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अभी सबको पता है FS28, FS29, FS38 और यहाँ पे D5, D2, D3, ये सब लोगों ने सुना हुआ है। ठीक है, अभी लेकिन एक चीज़ आप सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि हर पैलेट में लिखा होता है कहीं
कहीं किसी में मुंबई 3 लिखा होता है, जैसे सुप्रा की जो पैलेट मुंबई 3 है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें वो वाले शेड रखे हुए हैं जो हमारी इंडियन टोन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब हम कोई भी चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें मिक्सिंग का ज़्यादा पता नहीं होता, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास ऐसे कलर हों जिनको हम डायरेक्ट उठाएँ, उसकी स्किन टोन पर डायरेक्ट जाए, मैच करें और उसको लगा दें, फिर हम अपना मेकअप स्टार्ट करें। तो हाँ, ये सारी चीज़ें शुरुआत में होती हैं, तो इसलिए कुछ ऐसे ये पैलेट जो होती हैं ना, अभी मैं समझाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए जयपुर 2 लिखा है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक सेकेंड में हाथ में लेकर आज बना रही हूँ, इशू इसको खोलो थोड़ा सा बेटा, ये वाली खोलो, और यहाँ पे आप देखेंगी जयपुर 4, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है जयपुर 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है जयपुर 2, और यहाँ पे जो डर्मा की बात करें, डर्मा में खोलो, इसको खोलो, और यहाँ पे जो लिखा है दिल्ली 1, इसकी 2 आती है, 3 आती है, मुंबई 1, 2, 3 आती है, और जयपुर भी आता है, कोलकाता, चेन्नई, इस तरीके से आता है। अब ये क्यों बांटा रहता है, ठीक है, तो ये अलग अलग पैलेट में अलग अलग चीज़ें हर जगह के हिसाब से, हर टोन के हिसाब से, उसके टेक्सचर, स्किन कलर के हिसाब से ये पैलेट बनी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी कि इसीलिए बनी होती हैं, अलग अलग कलर्स अलग अलग टोन्स के लिए होती हैं, किसी में येलो तो किसी में पिंक टोन, किसी में येलो टोन, किसी में न्यूट्रल टोन, इस तरीके से जो हमारा अंडर टोन होता है उसी के हिसाब से ये सारी बनी होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको जानना है कि आपके जितने, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे ये है तो इस तरीके से आते हैं, मैं इसका सेट भी आपको जो है स्क्रीन पर लास्ट में बता दूंगी कि कितने आते हैं डर्मा में, कितने आते हैं मुंबई 1, 2, 3 में, कौन से कलर होते हैं, या इसमें सुप्रा में कौन से होते हैं, ये सब मैं आप लास्ट में स्क्रीन शो करके बताऊँगी। पर अभी मैं जो बता रही हूँ वो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे FS 28, देखिए ये मेरी वाली पैलेट है, ये मेरी पैलेट काफ़ी पुरानी है, लगभग 2-2.5 साल पुरानी, और ये 1 साल पुरानी है, और ये जयपुर 4 है, ये जयपुर 2 है। दोनों में शेड आपको मिलेंगे, यहाँ पे जो है दोनों में अलग अलग शेड मिलेंगे। यहाँ पे ये देखिए FS 29 आइवरी, FS 28 303 चिन, और यहाँ पे 303, और यह FS 22, उसमें 22 नहीं है, और इसमें FS 22 है, FS 24 है, जो कि इसमें FS 24 नहीं है, और उसके बाद FS 28, FS 29, FS 38, ठीक है, इसमें FS 38 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे आप 303 को देख रही हैं, और इस वाले में देखेंगे 303 सेम है, ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम है, अलग बिल्कुल भी नहीं है, वो खाली हो चुका है, जिसके कारण वो जो है आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। बाकी ये 303 ये है, और 303 ये भी है, और सेम कलर है, कलर में कोई वो नहीं है। अगर हम बात करें FS 28 की, ठीक है, FS 28 ये है, तो FS 28 ये है, ये मैंने खाली कर दिया है, और ये बिल्कुल भरा हुआ है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम, यहाँ पे देखेंगे आप इस तरीके से, कोई कलर में कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है बॉक्स है, ये जो बोल सकते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या इसको बोलते हैं, जिसमें फाउंडेशन क्या बोलते हैं, रिफिल, ये जो है ना, ये प्रोडक्ट जो है वो सेम है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम हैं। लेकिन क्या होता है, किसी में जब जयपुर 22 में कुछ सेड इसमें होते हैं, कुछ सेड इसमें नहीं होते, इसके कुछ इसके इसमें होते हैं, कुछ इसके इसमें, तो इनकी सेटिंग अलग अलग कर दी जाती है। प्रोडक्ट सेम होता है, अगर आपको 303 प्रोडक्ट इसमें ये है, तो 303 प्रोडक्ट अगर इसमें है तो वही प्रोडक्ट सेम होगा, वही काम करेगा। बस ये है कि किसी में 303 दे देंगे, तो किसी में जो है कलर चेंज करके दे देते हैं, लेकिन देंगे ये सुप्रा के ही कलर देते हैं, सुप्रा की अलग आते हैं नाम से, और डर्मा के अलग आते हैं, वो अलग होगा। जैसे इसमें दिल्ली का है, 1 है 2 है, उसकी पैलेट का वो भी वही सेम काम करेगा, कि आपको शेड अलग अलग मिलते हैं, ठीक है, आपको शेड अलग अलग मिलते हैं, ना कि जो है प्रोडक्ट चेंज होता है। अगर FS 29 का प्रोडक्ट ये है, तो FS 29 अगर इसमें है तो वही सेम प्रोडक्ट होगा। बस यहाँ पे क्या होता है कि आपको ध्यान देना है कि आपके जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की टोन के हिसाब से इसमें शेड है कि नहीं, वही चीज़ सबसे मेन होती है। तो यहाँ पर जो इंडियन टोन के लिए जो कलर होते हैं
वो जो होते हैं, अगर आइवरी सेट की बात करें तो काफ़ी फेयर स्किन टोन के लिए होता है। यहाँ पे ये देखिए काफ़ी फेयर होता है, यानी कि इसको आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये क्या होगा कि बहुत गोरा हो जाएगा, जो कि इंडियन टोन में जो हम लोग की टोन है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम मिक्स करते हैं, जैसे चिन में मिक्स कर सकते हैं, या कि अभी इसमें चिन के अलावा और कोई सेट डार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर FS24 डार्क कलर है, तो अगर हम इसमें मिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर आइवरी सेड इस वाले में, मेरे वाले में नहीं है, यानी पिंकी जी वाले में आइवरी सेड है, पर मेरे ये दूसरा कलर है, आप इसमें आइवरी सेड है, लेकिन जो है इसमें मेरे वाले में बिल्कुल भी नहीं है आइवरी सेड। FS22 है, जो कि ये येलो स्किन, बहुत ज़्यादा येलो है। अगर हम इसको फेयर स्किन टोन के लिए है, येलो स्किन टोन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा येलो स्किन टोन के लिए, ना ही बहुत ज़्यादा येलो स्किन टोन वाली चीज़ें अच्छी होती हैं, ना ही कम, तो हमें इसको मिक्स एंड मैच करके करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि जैसे यहाँ पे FS29 है, FS28 है, 303 है, चीन है, तो मैं एक पैलेट लेने से अच्छा है कि आप अपनी पैलेट को बनवाइए, या तो अलग अलग ले सकती हैं। जैसे FS29 जो होता है यहाँ पे है, वो 28 से एक टोन फेयर होता है, यानी नेचुरल स्किन, नेचुरल फेयर के लिए होता है, या फेयर के लिए बोल सकते हैं, जो शुरुआत की फेयर स्किन टोन हमारी इंडिया में होती है, वो शुरुआत की टोन के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप फेयर स्किन के लिए यहाँ से शुरुआत करेंगी, लेकिन अगर FS22 की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा सेड है, लेकिन ये थोड़ा सा येलो की साइड ज़्यादा है, तो आपको इसमें कुछ और कलर मिक्स करने होंगे, जिससे इसका कलर जो है वो डाउन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको ये चीज़ें करेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इन पैलेट से जयपुर 2 जयपुर 4 इससे मतलब नहीं है। आपको आपके मन चाह जो शेड जिससे आपको काम करना है, जैसे आपका फेयर स्किन टोन के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, मीडियम स्किन टोन का होना चाहिए, डार्क स्किन टोन का होना चाहिए, कंटूरिंग के लिए होना चाहिए, कलर करेक्शन के लिए होना चाहिए। तो जैसे अगर हम अपनी बात करें, तो मेरे में जो है वो बहुत अच्छा शेड है, मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन इनका भी जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा है। ऐसा मैं मतलब देखूँ तो जैसे कि इसमें भी ऑरेंज कलर इन्होंने रखा हुआ है 303, और हमारे में FS24 रखा है, जो कि अगर हम डार्क स्किन पर करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको मिक्स एंड मैच करके आइवरी सेट के साथ मिक्स करके हम थोड़ा सा डार्क स्किन के लिए बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने FS29 इसमें भी दिया है, FS29 इसमें भी दिया है, FS28 मीडियम स्किन टोन के लिए होता है, या कि जो है जैसे कि हमें कंटूरिंग इसको हम कंटूर में कर लिए, FS24 को कंटूर में कर लिए प्लस मिक्स एंड मैच में कर लिया, और FS जैसे कि किसी की स्किन FS28 के लिए है, उनकी स्किन टोन है, तो हमें जब हम हाईलाइट करते हैं, कंटूर हाईलाइट करते हैं, तो हमें हाईलाइट के लिए FS29 को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम हाईलाइट के लिए कंसीलर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना पड़ता है, डाउन करने के लिए आपको बना सकते हैं। और अभी FS26 जो है वो डार्क स्किन टोन के लिए होता है, जो कि इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो Mumbai 3 जो पैलेट होती है वो बहुत परफेक्ट पैलेट होती है, अगर जो लोग को मिल जाती है, वो लोग जल्दी यहाँ मिलती नहीं है, तो अगर आपको मिल जाती है तो आप Mumbai 3 जो है वो सुप्रा की पैलेट ले लेती हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वो उसमें क्या होंगे, आपके जो 12 कलर होंगे, जैसे इसमें 6 कलर की ये पैलेट है, 6 कलर या 6 कलर है, लेकिन इसमें जो है वो 12 कलर की है, तो इसी तरीके की Mumbai 3 करके आती है, वो भी पैलेट काफ़ी अच्छी होती है, उसमें सारे सेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम अगर आपको बता दें तो FS29 फेयर स्किन टोन के लिए होता है इंडिया की सुप्रा में, और FS28 जो है, FS29 फेयर स्किन, FS28 जो है वो होता है मीडियम स्किन टोन, और FS26 जो होता है वो डार्क स्किन टोन के लिए होता है। तो ये आपके तीनों टोन के लिए हो गए, तो आप देख लीजिए वो टोन है। उसके बाद जो है FS38 जो है ये भी फेयर स्किन टोन के लिए होता है, लेकिन इसका जो कलर है वो थोड़ा सा पिंक की साइड है, यानी कि थोड़ा सा जैसे कि हम लोग का येलो अंडरटोन है, तो उसके लिए FS28 FS29 काफ़ी अच्छा पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है पिंक अंडरटोन की साइड है, तो इसमें आपको मिक्स करना होता है, येलो अंडरटोन के प्रोडक्ट आपको मिक्स करके बनाने पड़ेंगे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FS28 काफ़ी अच्छा कलर है, FS29 आपके पास ये कलर होने चाहिए, आप अगर आपके पास FS24 है तो भी अच्छा है, इसको आप डार्क स्किन टोन का मिक्स करके बना सकती हैं। मिक्सिंग हमने बताया है और आगे भी हम बताएँ।
जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया, ये आपको देख कर लेना है कि आपके जो जो पैलेट आप बनवा रहे हैं और करेक्शन के लिए आप ये ऑरेंज कलर जो है ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर ले सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास हर पैलेट में एक ऑरेंज होगा, एक फेयर कलर होगा। अब यहाँ पे ये फेयर कलर FS22 फेयर कलर है, इसमें आइवरी सेड भी फेयर कलर है, पर ये आइवरी सेड बहुत ज़्यादा येलो स्किन टोन के लिए नहीं है, लेकिन जो है ये वाला जो कलर ये बहुत ज़्यादा येलो टोन के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, आगे पीछे करना पड़ेगा। और तो इसका यही फंडा है, आपको जो है मैं एक उसमें बता दूंगी, मतलब इसमें तो हमने ये मेन चीज़ समझाने की कोशिश की है कि सबके अलग अलग जो रहते हैं, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, प्रोडक्ट वही रहता है। और जितना भी ये चेंज करेंगे, जितने भी पैलेट में चेंज करेंगे, अगर FS22 इसमें जो कलर है तो वो किसी भी पैलेट में होगा, FS22 अगर उसमें होगा कोई भी पैलेट, तो आपको ध्यान, आपको नंबर याद कर लेना है। ठीक है, जो भी आपकी जहाँ पर आप हो, मीडियम स्किन टोन और फेयर स्किन टोन, डार्क स्किन टोन, आपके पास तीन कलर होने चाहिए कलर करेक्शन के लिए। ये आपका 303 सभी को पता है, ये होना चाहिए। एक डार्क कलर आपको ले लेना है FS24, आपका काम हो जाता है सुप्रा में, आपको और कलर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कोई कलर को याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने कलर, इतने सेड, इतने नंबर होते हैं। अभी FS जो है वो फेयर स्किन टोन, FS जो है वो येलो स्किन टोन के लिए है, लेकिन अगर हम बात करें इसके जो है पिंक अंडरटोन की, जैसे पेल अंडरटोन होता है वो हमारा सुप्रा के लिए होता है FS, ठीक है, FSG जो होता है वो हमारा सुप्रा पैलेट के लिए बना होता है, इसमें ये वाली पैलेट के लिए बना होता है, जो कि हमारे येलो स्किन टोन के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करें पिंक अंडरटोन की, जिसमें होता है 6, ठीक है, ये वाला जो है पिंक अंडरटोन का, अगर आप देखेंगे तो ये भी, अगर हम इस दोनों में आपको, हम अभी यहाँ पे अंडरटोन के बारे में भी बता देते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप FS29 की बात करें, FS दोनों में आपको अंतर यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा है, अंतर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, 6 to 6B जो है वो जो है एक्स्ट्रा फेयर नहीं है, फेयर स्किन टोन के लिए है, लेकिन पिंक अंडरटोन के लिए है। लेकिन FS आप दोनों में अगर बारीकी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि FS29 और 6 to 6B जो है वो फेयर स्किन टोन के लिए हैं, दोनों ही फेयर, लेकिन एक में आपको येलोपन दिख रहा है, एक में आपको पिंकपन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इस पैलेट की बात करें तो आपने लिया इसको है, लेकिन पिंक अंडरटोन के बहुत ही कम आपको मिलते हैं, आपको यही अंडरटोन के मिलेंगे, येलो अंडरटोन के हमारे 80% जो है वो इंडिया में येलो अंडरटोन के ही लोग होते हैं, तो इसमें दिया गया है। तो यही चीज़, जबकि हमारे में जो है ये पिंक अंडरटोन के लिए थोड़ा सा आ जाता है FS38, तो ये भी है पिच थोड़ा सा पिंक अंडरटोन की साइड आ जाएगा, ये भी उसी तरीके से दिख रहा है। तो हर पैलेट में एक मिला देते हैं पिंक अंडरटोन, बाकी जो टोन होते हैं वो येलो अंडरटोन के लिए होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप इस तरीके के, अगर आप देखेंगे 6 to, अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 6 to 6A जो है वो भी पिंक अंडरटोन के लिए है। अगर 6 से जो स्टार्टिंग हो रही है वो पिंक अंडरटोन के लिए है, FS से जो स्टार्टिंग हो रही है येलो अंडरटोन के लिए है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप लिख लीजिए, और इसको मैं लास्ट में लिखवा दूँगी, जैसे 6 to 6B, इसको मैं थ्योरी करके कल या परसों कर में लिखवा दूँगी, 6 to 6D करके आएगा वो डस्की स्किन टोन के लिए आएगा, 6 to 6E करके आएगा वो डार्क स्किन टोन के लिए आएगा, 6 to 6C करके आएगा जो कि मीडियम स्किन टोन के लिए आएगा, और FS से जो शुरू होगा वो हमारे इंडियन फेयर स्किन टोन के लिए आएगा। ठीक है, जो कि हमारे थोड़ा सा येलो की टोन होगा और ये पिंक की टोन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको समझा दिया, सेड वही होते हैं, अगर FS28 इसमें है तो वही कलर होगा, FS28 इसमें है तो वही कलर होगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें इसका डाल देते हैं, कुछ चीज़ इसमें, इस तरीके से वो पैलेट सेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी कि आपको क्या जरूरत है किस चीज की, उसी हिसाब से आपको लेना होगा। तो ये आपने समझ लिया। ठीक इसी तरीके से ये भी आता है, यहाँ पे भी आप देख सकती हैं जो है D3, ये मैं दिल्ली 1, और जो है D3 जो कि फेयर स्किन टोन, काफ़ी फेयर के लिए आता है, लेकिन येलो है, आप सबसे ज़्यादा येलो अगर देखेंगे तो ये है काफ़ी ज़्यादा येलो है, तो डायरेक्ट लगा देंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें भी हमें पिंक थोड़ा सा हल्का सा पिच लाना होगा, क्योंकि जब जो पिच कलर होता, बहुत ज़्यादा येलो चीज़ भी नहीं अच्छी लगती और बहुत ज़्यादा पिंकिस भी नहीं अच्छा लगता, तो हमें पिच लाना होता है। पिच किससे बनता है? रेड और येलो से बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है
हमें थोड़ा सा पिच कलर की साइड चीज़ें देनी होती हैं। पिच चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, बिल्कुल नेचुरल लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें D4 जो है, आप सभी लोगों को पता है कि फेयर स्किन टोन के लिए, इंडियन के, लेकिन हमें जो हमने जो एक्सपीरियंस किया हुआ वो हमने भी देखा है कि इसमें थोड़ा सा पिंकिशपन ज़्यादा है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो आपका बिल्कुल येलो टोन के लिए परफेक्ट बन जाएगा। और ये फेयर के लिए, D3 जो है काफ़ी फेयर के लिए है, और ये D4 जो है वो फेयर स्किन टोन के लिए, यानी कि एक फेयर होता है, एक एक्स्ट्रा फेयर होता है, एक नॉर्मल फेयर होता है, इस तरीके से होता है। तो इसको आपको सेट करना होगा। D4.5 जो है वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा एक टोन डार्क के लिए होता है। अगर D5 की बात करें तो उससे थोड़ा डार्क के लिए होता है। D65 की बात करें तो उससे थोड़ा डार्क होता है, इसका टोन देखना होगा। D30 जो है वो रेड ऑरेंज की साइड है। आपने एक ऑरेंज तो ये देखा, यहाँ पे देखा येलो ऑरेंज और रेड ऑरेंज, ओके। तो ये चीज़ें इसमें आपको फ़र्क दिखेगा, यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर बता दूँ, D4W जो है ये पिंक अंडरटोन के लिए आ जाएगा, लेकिन जो सिर्फ डी की साइड है, डब्लू नहीं है, वो जो है उसमें आपका सिर्फ येलो अंडरटोन के लिए। अगर यहाँ पे भी देख रहे हैं D2W, ठीक है, तो ये भी आपका पिंक अंडरटोन के लिए है। तो डब्लू जिसमें लगा हुआ होगा वो आपका हमेशा देखेंगी तो वो पिंक अंडरटोन के लिए होगा, और जिसमें डब्लू नहीं लगा हुआ है वो आपका येलो अंडरटोन के लिए है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकती हैं कि ये दोनों आपको नहीं लेने हैं, ये कलर करेक्शन के लिए। DJ2 ले सकती हैं कंटूरिंग के लिए, दोनों कलर कंटूर के लिए होते हैं, ओके। और ये D32 ये थोड़ा सा जो है अलग कलर है, इसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ती है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसको साइड में रख दीजिए, ओके। अभी जो है ये इसमें भी आता है, तो दिल्ली का आता है, मुंबई का आता है, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शो करूँगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इस वीडियो में उसको स्क्रीन शो नहीं कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। पर इससे आप सभी लोगों को पता चल गया है ये इस साइड के जो जितने भी टोन हैं, तो आप इसको आपको पूरा लेने की जरूरत नहीं, करेक्शन के लिए आप दूसरी ब्रांड से ले सकते हैं, अलग इसकी रिफिल आती है, उसको भी जो है आप ले सकती हैं। अलग से भी आता है इसका, 500 का आता है, थोड़ा उससे कम आता है। कई रेंज आती हैं, कई टाइप आती हैं। देखिए, मैंने आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ खरीदना है, ये मुझे आपको बताना था, तो मैंने अपने स्टूडेंट से या कुछ अपने पास से, क्योंकि ये स्टार्टिंग की रेंज है, ये सीखने वाली रेंज है, ये जो है, ये जो प्रोडक्ट हैं क्रॉयलाइन के, ये सीखने वाले के लिए हैं जो सीखते हैं। पर हम लोग जो अभी करते हैं क्लाइंट को, तो हम लोग इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़्यादा इसके प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, जो कि हकीकत है कि इसके प्रोडक्ट ज़्यादा हम लोग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जो है इससे ज़्यादा हम लोगों को इससे ऊपर काम करना होता है। तो ये शुरुआत की रेंज है, जो लोग सीख रही हैं, जो लोग बिल्कुल न्यू खोली हुई हैं, तो वो लोग इसको रख सकती हैं, उनके पर्पस ये बहुत ही सही है। तो इसलिए मुझे कुछ चीज़ें खुद भी नहीं पता होती तो इसको क्या बोलते हैं, पर मुझे कलर की नॉलेज अच्छी है, कलर मुझे पता है कि हाँ कौन सा कलर किस स्किन टोन पर जाएगा। मैं प्रॉपर देखती हूँ, जैसे कि अभी क्रॉयलाइन की वेबसाइट पर जाकर देखती हूँ कि कहाँ कौन सा येलो स्किन टोन के लिए है, कौन सा पिंक अंडरटोन के लिए, इस तरीके से मैं देख कर तब आप लोगों को बताती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो अभी हमें नहीं लगता कि अभी कोई कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं एक एक शेड, जैसे कि अभी इसमें सारे शेड बने हैं, तो कौन सी पैलेट, अब जैसे हमने कहा कि Mumbai 3 अगर सुप्रा की पैलेट को लेती हैं, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया हुआ है कि इंडियन टोन के लिए, हम लोग की टोन के लिए वो बहुत परफेक्ट है, कि आपको फेयर स्किन टोन के लिए मिलेगा, मीडियम स्किन टोन के लिए मिलेगा, डार्क स्किन टोन के लिए मिलेगा, सारे टोन के लिए उसमें मिल जाएंगे, करेक्शन के लिए भी सारे कलर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सब परफेक्ट है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें आपके बहुत सारे कलर वैसे हैं जो आपके ये सारे आपके कलर की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऐसा एक्स्ट्रा कलर है। तो ऐसे ही हमारे ये पैलेट भी बनती है, तो कौन सी पैलेट आपको लेनी है जिसमें आप जो है आपके सारे कलर हो जाए डर्मा बेबी, और उस कोशिश करिए कि आप ये 12 वाले कलर नहीं बल्कि 6 वाले ये वाली पैलेट लीजिए, वो परफेक्ट होती है। 12 कलर लेने की जरूरत आपको है ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर डर्मा बेबी लेते हो, मेरी एक स्टूडेंट ने लिया हुआ था, अभी वो लेकर चली गई हैं, नहीं तो मैं उसको आप लोगों को शायद नेक्स्ट इसके पहले दिखाया भी था, वो लेके गई हैं, उसकी वीडियो मैंने शायद बनाई भी है, अगर मेरी पहले की प्रीवियस वीडियो आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग इस तरीके की पैलेट लीजिए, इसको भी नहीं लेना चाहती तो आप जो
इस तरीके का अलग से आता है, उसको आप ले सकते हैं। वो 500 या 550 के आसपास मिलता है, इस तरीके से मिलता है। या रिफ़िल भी छोटी सी मिलती है, मतलब एक डिब्बी भी मिलेगी गोल सी, थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब वो बोल सकते हैं डिब्बी आती है। अभी वो डिब्बी मेरे पास नहीं है क्योंकि ये था तो हमने नहीं मंगाया। वो डिब्बी आएगी, मैं स्क्रीन पर शो कर दे रही हूँ। और रिफ़िल इस तरीके से आती है, वो इससे भी छोटी आती है, वो लगभग 250 के आसपास आती है। काफ़ी पहले मैंने उसको देखा था, अब शायद उसका रेंज बढ़ गया हो। तो इस तरीके से आपको नंबर देखना है, अपना बजट देखना है। अगर बजट है तो आप बड़ी पैलेट भी ले सकते हो अपना नंबर देखकर। अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता है तो आप छोटी इस तरीके से लेकर स्टार्टिंग कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपके पास बजट होता है वैसे वैसे ये कंपनियां भी अपने अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। अभी तो ये लोग लिक्विड फाउंडेशन भी हाई डेफिनेशन के लॉन्च की हुई हैं, जिनका रेंज लगभग 1200-1300 है। तो क्रॉलाइन की वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक भी कर सकती हैं, वहाँ पर देख सकती हैं, वहाँ से मंगा सकती हैं। वहाँ से जो प्रोडक्ट आते हैं वो ओरिजिनल ही आते हैं, मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से क्रॉलाइन की जाए। फिर भी आप अगर गूगल पर आप सर्च करेंगी क्रॉलाइन वेबसाइट तो वहाँ पे भी खुल जाएगी उसकी खुद की वेबसाइट, और वहाँ से आप लोग परचेज कर सकती हैं। एक बार आप खोल लेंगे तो वहाँ से आप जरूर शॉपिंग कर लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा, जो कुछ बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।